काठमांडू नेपाल। ओम नमः शिवाय। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर्द दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्ध रापदी क्वचित विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जो पर्वत राज सुता अर्थात पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। कला, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र नेपाल, महर्षि वाल्मीकि का कर्म क्षेत्र नेपाल, महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की जन्मभूमि नेपाल, हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में अपनी ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं, अपने धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपने कई वर्षों की सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान को जतन से संजोए खड़ा है ये भव्य और दिव्य पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है।